नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस में। और जहां तक आपको जानकारी है कि बिहार में शिक्षक की भर्ती निकली, लगभग 5000 वैकेंसीज हैं यहां पर। और अगर इन 5000 वैकेंसीज में आप अपना सिलेक्शन कराना चाहते हैं और ये 7th फेज की जो माध्यमिक शिक्षक की जो भर्ती है, ये वाकई में आपके लिए आपका भविष्य निर्धारित करेगी, ये बिल्कुल तय है। तो अगर आप माध्यमिक शिक्षक भर्ती में अपने आप को पीजीटी के पद पर सुशोभित करना चाहते हैं तो थोड़ी सी मेहनत और पूरा सिलेक्शन की गारंटी के साथ आप पढ़ सकते हैं। कारण यह है कि वैकेंसी के अकॉर्डिंग जितनी वैकेंसीज निकाली गई है उसके कंपैरिजन में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की जो फाइट है वो बहुत कम है। इसीलिए मान के चलिएगा कि लगभग मैक्सिमम सिलेक्शंस थोड़ी मेहनत पर भी हो सकते हैं। ये बात बहुत सोचने वाली है और गहन अध्ययन के बाद आपसे बात कर रहा हूं कि अगर आपने थोड़ी सी मेहनत जो एक्स्ट्रा पॉइंट ऑफ व्यू से की जाती है वो कर ली, एक्स्ट्रा लेवल आपने बढ़ा लिया, क्योंकि फाइट आपके बीच में जो लोग हैं उनमें कम डिफरेंस से फाइट हो, और अगर डिफरेंस कम हुआ फाइट का तो फिर सिलेक्शन डेसिमल से छूटने के चांस बन जाएंगे। यानी कि अगर आपको बिहार पीजीटी क्वालिफाई करना है तो ये मान के चलिएगा कि आपको मेहनत सही दिशा में करनी है। मेहनत ज्यादा नहीं करनी है, मेहनत सही दिशा में करनी है। बिहार शिक्षक भर्ती का जो सिलेबस है पीजीटी का, अपने में मजबूत सिलेबस है। उस मजबूत सिलेबस को पूरी तरीके से प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ, बेस्ट परफॉर्मेंस के साथ अगर आप करना चाहते हैं और यहां पर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए बिहार पीजीटी को क्वालिफाई करने के लिए, उस स्ट्रेटजी का भी ख्याल आपको रखना है। क्योंकि कारण भी एक और बताता हूं आपको। देखिए, अगर मान लीजिए आपके लेवल में सभी ने जो एग्जाम क्वालिफाई कर रखा है, जो बिहार का स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है, जिसे आप जो है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन भी कह सकते हैं, जिन लोगों ने सेकंड एग्जाम पास कर रखा है, सेकंड लेवल का एग्जाम पास कर रखा है, उन सभी लोगों के नंबर लगभग और लगभग समान आने का खतरा बने। और इसमें जो भी इंसान थोड़ा ट्रिकी कंसेप्ट से पढ़कर चला जाएगा, जिसका एक क्वेश्चन भी फाइट में आगे चला गया वो बाजी मार ले जाएगा। तो मैं ये चाहता हूं कि अगर आपको बीपीएससी क्वालिफाई करना है, बीपीएससी में सफलता पानी है और बीपीएससी के द्वारा प्रवक्ता पद यानी पीजीटी केमिस्ट्री या लेक्चरर केमिस्ट्री बनना है, तो फिर आप देरी मत करिए, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक आपको मिलेगा, दोनों लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। आपकी स्टडी आपके अनुसार, आपकी स्टडी आपके सिलेक्शन के अनुसार, आपकी स्टडी आपकी दिशा के अनुसार हमने पूरी प्लान स्टडी के साथ, पूरे रिसर्च के साथ उतारी है। अगर आप बिहार पीजीटी में शिक्षक बनना चाहते हैं तो उसमें दो चीजों का और विशेष ध्यान रखना है। एक तो स्मार्ट स्टडी का कंसेप्ट बनाइएगा, क्योंकि समय कम है, बहुत ध्यान देने वाली। स्मार्ट स्टडी का कंसेप्ट बनाइएगा क्योंकि समय कम है, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस लाइएगा, बात वही है कि समय। अगर हमारे पास में समय ज्यादा होता
अगर समय मेरे पास इतना होता कि मैं पूरा पढ़ाने के बाद आपकी प्रैक्टिस करवाता तो डर नहीं था। डर इस बात का है आप लोगों को कि इतने कम समय में प्रिपरेशन होगी कैसे, क्योंकि एग्जामिनेशन भी जल्दी होने का चांस है। एग्जामिनेशन में बहुत लंबा समय नहीं लगेगा, इसीलिए आपको इस बात का ख्याल रखना है कि स्टडी टू द पॉइंट हो, स्टडी क्वेश्चन बेस्ड होनी चाहिए। ज्यादा इकट्ठा करने, मटेरियल इकट्ठा करके सिर के सिराने के नीचे रख के काम नहीं चलेगा, सिराने के अंदर डालना पड़ेगा तब काम चलेगा। और क्वेश्चंस का लेवल बिहार, मैंने आपको पहले ही बताया है कि बिहार पीजीटी जब निकालेगा ये एग्जाम तो इसके क्वेश्चन कहां से लाएगा, इसकी पहली वीडियो में मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है कि क्वेश्चन के उसके चांस कहां से बनेंगे, वो क्वेश्चन उठाएगा कहां से एमसीक्यूज के, ये सब बातें भी मैंने आपको समझाई थी इससे पहले वाली। तो अगर बीपीएससी एग्जामिनेशन पर अपनी पकड़ बनानी है, अपने सिलेक्शन के दायरे में आना है, तो स्टडी हार्ड नहीं, स्टडी स्मार्ट होनी चाहिए। स्टडी लंबी नहीं, स्टडी छोटी होनी चाहिए। स्टडी में बहुत क्वेश्चन नहीं करने, बहुत अच्छे क्वेश्चन करने हैं। इन सब बातों का अगर आपने थोड़ा भी ख्याल रख लिया तो वादा करता हूं आपसे कि सिलेक्शन आपका डेफिनेटली होगा। आप उस सिलेक्शन के क्राइटेरिया में जरूर पहुंचेंगे जहां आप जाना चाहते हैं। बाकी आपकी इच्छा अगर है तो आप अच्छी बुक से सेल्फ स्टडी आज से ही शुरू कर दीजिए। किताबें बेस्ट होनी चाहिए, किताबें ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नोट्स जो आप बनाते हैं वो नोट्स की क्वालिटी अप टू द मार्क होनी चाहिए। इन सब चीजों से अगर आप जुड़ना चाहते हैं और बिना मेहनत किए आप ये चाहें कि आपको बेस्ट स्टडी मटेरियल मिल जाए, तो फिर आपको बिहार शिक्षक का ये बैच, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और ये बैच 25 जून से शुरू हो जाएगा। 25 जून तक जो लोग ज्वाइन करेंगे उन लोगों के लिए ऑफर मिलेगा, और 25 जून के बाद कोई ऑफर नहीं होगा। तो 25 जून तक ज्वाइन करिए और जल्दी से जल्दी आप शिक्षक भर्ती जो बम्पर निकली हुई है बिहार में, उसमें माध्यमिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षक अगर बनना चाहते हैं तो फिर आपको पीजीटी केमिस्ट्री का बिहार का जो सिलेबस है वो अप टू द मार्क पढ़ना पड़ेगा, अप टू द लेवल पढ़ना पड़ेगा, उसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और वो क्वेश्चन आपके उस लेवल के होने चाहिए जो पीजीटी क्वालिफाई करा दे। सिंपल क्वेश्चन से कुछ नहीं होगा। सिंपल क्वेश्चन लो लेवल का कैडर जो सब क्वालिफाई करते हैं आप भी कर जाएंगे 25-30%, लेकिन जो मैक्सिमम परसेंटेज आपका कवरेज कराएगी, मैंने वीडियो में बोला था, वो परसेंटेज आपको कवरेज करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो अब डिसीजन आपको लेना है कि अगर आप बिहार में टीजीटी के पद पर कार्य रहे हैं, अगर टीजीटी के पद पर कार्य कर रहे हैं और पीजीटी बनना चाहते हैं तो थोड़ी सी मेहनत बड़ी पोस्ट मिल जाएगी आपको। और अगर आप सेलेक्ट नहीं है तो फिर ये मान लीजिए कि आपका सिलेक्शन आपकी एक्टिवनेस, आपकी प्रॉपर डायरेक्शन, आपकी प्रॉपर गाइडेंस, ये सब चीजें अगर आपको मिल जाती हैं तो फिर निश्चित हो जाता है बिहार में एक अच्छे शिक्षक का मौका आपको मिलेगा। तो अगर ये शिक्षक का मौका आप
अपने साथ रखना चाहते हैं तो हमसे जुड़ जाइए और शुरू करते हैं फिर बिहार शिक्षक बनने की एक नई राह। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए जिससे कि मैक्सिमम लोग चैनल से जुड़े और बिहार में आने वाली भर्ती का जो फायदा है विशेषकर केमिस्ट्री के पद पर उठा करके अपनी लाइफ को एक नई दिशा दीजिए। थैंक यू।